विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे कि बीएससी, बीसीए, बीकॉम, बीए में एडमिशन को लेकर एक नया नोटिस जारी कर दिया है। लास्ट नोटिस जो 6 अगस्त को आया था उसको मॉडिफाई किया गया है और इस नोटिस में भी अच्छे से जिक्र किया गया है, सारे पॉइंट को क्लियर किया गया है कि आप एप्लीकेशन कैसे भर सकते हैं, कब भरना है आपको, आपका सिलेक्शन के लिए लिस्ट कब आएगा, फर्स्ट लिस्ट कब आएगा, सेकेंड लिस्ट कब आएगा, फर्स्ट लिस्ट के हिसाब से आप एडमिशन कब से कब करवा सकते हैं, सेकेंड लिस्ट के हिसाब से आप एडमिशन कब से कब करवा सकते हैं और आपका क्लास स्टार्ट कब से होगा कॉलेज में। हाँ, इसमें एक बात बोला गया कि कोरोना जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, एटलीस्ट पूरे इंडिया में अगर ठीक हो जाए तो उसके बाद के लिए वो डेट दिया गया है, ठीक है। यानी कोविड 19 अगर गाइडलाइन ठीक रहता है तो सेशन आपका 28 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, आप क्लास कर सकते हैं। और इस एडमिशन नोटिस में साफ साफ ये भी बोला गया है कि ये जो नोटिस है सारे कॉलेजेस के लिए है, भले वो छोटा से लेकर बड़ा, सारे कॉलेज जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, ठीक है। और इसमें पहला ही पॉइंट बोला गया, एप्लीकेशन सबमिशन फॉर एडमिशन इन कॉलेजेस थ्रू द चांसलर पोर्टल https://jharkhandyuniversities.nic.in। इस लिंक पे जा करके आपको एक फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसमें आप सबमिट कर सकते हैं। इसका डेट है आपका 3 अगस्त से लेकर, यानी कि पिछला 3 अगस्त जो था उससे लेकर 31 अगस्त तक के बीच में, इसके बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी आपके पास डेट है 31 अगस्त तक। फॉर्म कैसे भरना है, सही सही कैसे भरना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता दूंगा आप लोगों को, लाइव मैं सामने भर के दिखाऊंगा। सेकंड पॉइंट देखिए, सेंडिंग मेरिट लिस्ट टू द कॉलेजेस। मेरिट लिस्ट सेंड किया जाएगा 3 सितंबर को और फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आएगा वो ऑनलाइन पब्लिश किया जाएगा कॉलेज के द्वारा 7 सितंबर 2020 को, और उस लिस्ट के हिसाब से एडमिशन स्टार्ट होगा आपका। जो फोर्थ पॉइंट में जिक्र किया गया है उसमें बोला गया कि एडमिशन स्टार्ट होगा 8 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच में, इसके बीच में आपको एडमिशन करवा लेना है। और उसके 2 दिन के बाद एक नया लिस्ट जारी किया जाएगा और ये भी जारी किया जाएगा सीट खाली को देकर, अगर सीट खाली रहता है उसके हिसाब से उसमें भी आपको लिस्ट दिया जाएगा 21 सितंबर को और उसके हिसाब से एडमिशन उसके अगले दिन से शुरू हो जाएगा। यानी आप लिस्ट चेक करके अगले दिन से एडमिशन करवा सकते हैं। और उसको बोला गया है सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट आपका उसके हिसाब से जो एडमिशन है 22 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में करवा सकते हैं। और सब कुछ अगर सही सही रहता है तो आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा 28 सितंबर 2020 से। और जो लास्ट में जो नोटिस करने वाला पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या बोला गया है कि एडमिशन कंटिन्यू हो जाएगा, एडमिशन आप बाद में भी करवा सकते हैं, कब, जब आपका सीट खाली रहता है तब, तो वो बाद का चीज़ है। सीट खाली रहेगा तो नया नोटिस आ जाएगा, उस टाइम एडमिशन करवा सकते हैं अगर आपका पहले लिस्ट में नाम नहीं आया तब। और सेकेंड पॉइंट बोला गया है कि एडमिशन को रोक दिया जाएगा, ये कॉलेज ओपन हो जाएगा उसके बाद सारा कुछ वेरीफाई सब करके, उसके बाद आपका सारा एडमिशन के लिए जितना काम है सब खत्म हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट बोल रहा है, इफ़ द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द क्लेम आर फाउंड रॉन्ग, अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका गलत निकलता है जो आप फॉर्म कर फिल करते टाइम या फिर किसी टाइम जमा करते हैं एडमिशन को लेकर के, एक भी अगर डॉक्यूमेंट गलत निकलता है, रॉन्ग निकलता है, फर्जी निकलता है, तो आपका उस टाइम एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सही सही आना चाहिए फॉर्म को फिल करना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म फिल करना सीखेंगे, जान लेंगे, आप उसके हिसाब से भर सकते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए, पीस आउट।